नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुकिए, और रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। बिहार में भी किसानों का प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे किसान। नए कृषि विधेयक को लेकर देश भर के किसानों में रोष का माहौल है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस नए विधेयक को लेकर बिहार के किसानों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को बेगूसराय समाहरणालय के समक्ष धरना देकर किसान नेताओं ने सरकार द्वारा लागू किए गए नए विधेयक को जोरदार विरोध किया है। बेगूसराय जिले के समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर किसान कैंसिल जिलाध्यक्ष विद्यानंद यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना सभा को संबोधित करते हुए खेतिहर मजदूर यूनियन के प्रांतीय सचिव राम भजन सिंह ने कहा है कि कृषि पर कॉरपोरेट वर्चस्व खोपा जा रहा है। केंद्र सरकार देश में खाद असुरक्षा पैदा कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन और सुविधा कानून, कृषि मूल्य आश्वासन बंदोबस्ती और सुरक्षा कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा संशोधित बिजली बिल कानून को रद्द किया जाए, प्रखंड स्तरीय सरकारी कृषि उत्पाद क्रय केंद्र खोला जाए, इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार में कई जिलों के डीएम को निर्देश, कोरोना के खतरे को देखते हुए जांच में तेजी लाने का आदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देश में अब तेजी से फैल रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। बीते दिन नई गाइडलाइन जारी करने के बाद शुक्रवार को कमिश्नर ने कई जिलों के डीएम को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त ने सरकारी योजनाओं को पूरी जवाबदेही के असमय पूरा करने का भी निर्देश दिया। शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक की। पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सरकार की विकासात्मक और जल कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की। अंचलाधिकारी और इंस्पेक्टर हो जाएं सावधान, दाखिल खारिज मामले में दिया गया कार्रवाई का आदेश। बिहार के कई जिलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों में निष्पादन में देरी हो रही है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कमिश्नर ने कई जिलों के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने ऑनलाइन दाखिल खारिज को लंबित मामलों के साथ साथ सभी सरकारी योजनाओं को पूरी जवाबदेही से समय पूरा करने का भी निर्देश दिया। आयुक्त ने एडीएम राजस्व को अंचल में लंबित ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अंचलावार भ्रमण कर डीसीएलआर और अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन में लापरवाही और शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी, अब 31 दिसंबर तक होगा इन 13 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन। बिहार वासियों के लिए भारतीय रेलवे ने खुशखबरी लेकर आया है। पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का विस्तार करने का फैसला लिया है। रेलवे ने बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना के बीच फेस्टिव सीजन में 30 नवंबर तक यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या 30 नवंबर के बाद इन ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा। फिलहाल रेलवे द्वारा 31 दिसंबर तक ट्रेनों के परिचालन की घोषणा करने के साथ ही इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाली 13 विशेष ट्रेनों के परिचालन को 31 दिसंबर तक चलाने को हरी झंडी मिल गई है। राज्यसभा जाएंगे सुशील मोदी, बीजेपी ने उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार। बिहार से राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को चुन लिया है। बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के निधन के कारण बिहार में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। हालांकि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में जानी चाहिए थी,
लेकिन बिहार चुनाव में लोजपा के रोल को देखते हुए इसकी गुंजाइश नहीं रह गई थी, लिहाजा बीजेपी ने इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार दिया है। वैसे भी 2019 में रामविलास पासवान को ये सीट बीजेपी ने ही अपने हिस्से से दी थी, तब रविशंकर प्रसाद के लोकसभा सांसद चुने लिए जाने के कारण ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था कि वह रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजेगी, उसी समझौते के तहत रामविलास पासवान को ये सीट मिली थी। सात निश्चय योजनाओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जानकारी नीतीश ने विधायकों से मांगी, जिला स्तर पर समीक्षा बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान सात निश्चय की योजनाओं में गड़बड़ियों का आरोप झेल चुके नीतीश कुमार अब अलर्ट मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आज इस बात की घोषणा कर दी है कि सात निश्चय की योजनाओं में अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसे गंभीरता से ले लेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि वह सभी विधायकों से सात निश्चय की योजनाओं में चूक के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सात निश्चय की योजना से जुड़ी किसी भी चूक के बारे में विधायक उनको जानकारी दे सकते हैं। सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद वह जिला स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं को लेकर सरकार की कार्य योजना तैयार है और हम जिला स्तर पर जल्द ही इसकी समीक्षा की शुरुआत करेंगे। पटना हाईकोर्ट ने एसटेट रिजल्ट पर लगाई रोक, बिना सिलेबस के हुआ था ऑनलाइन एग्जाम। पटना उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक एसटेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। बिना सिलेबस जारी किए गए ऑनलाइन परीक्षा के लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीईटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाया है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमनुल्लाह की एकल पीठ ने आदित्य प्रकाश और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश को पारित किया है। कोर्ट को बताया गया है कि बगैर ऑनलाइन परीक्षा के सिलेबस जारी किए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा ली गई है, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी कर लिया था। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी पारी गई बेकार, ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से इंडिया को हराया। तीन एक दिवसीय मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 66 रन से हरा दिया। इस मैच में हार्दिक पांड्या और शिखर धवन की पारी बेकार चली गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने 50 ओवर में 375 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी में कप्तान एरन फिंच और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार शतक जड़ा। इस बड़े स्कोर का पीछा कर भरा रही मेहमान टीम 308 पर 8 विकेट पर ही सिमट गई। टीम इंडिया की शुरुआत तो अच्छी रही और पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल व शिखर धवन के बीच 53 रन की साझेदारी हुई, लेकिन मयंक 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान विराट 21 रन और श्रेयस अय्यर भी 2 रन के साथ पवेलियन लौट गए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने धवन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला, जिसमें हार्दिक अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाने से चूक गए। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तो बिहार में मिले कोरोना के 698 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,33,840। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 698 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,33,840 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,204 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 180 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों में 698 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,33,840 हो गया है। बात करते हैं मौसम विभाग की, तो पछुआ हवा बढ़ाएगी ठंड, सुबह में कोहरा भी करेगा परेशान। राज्य के अंदर मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले एक से दो दिनों में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आएगा। पछुआ हवाओं ने बिहार का रूप कर लिया है, लिहाजा अब कनकनी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई है।
वहीं रात के तापमान में वृद्धि देखी गई है। आसमान में बादल छाए रहे। राज्य में मिले 14 शहरों की लिस्ट में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड फरसीबगंज और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड डेहरी में दर्ज किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिणी मध्य क्षेत्र के एक दो स्थानों पर थोड़ी बारिश भी देखी गई है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।